तो गाइस इंस्टाग्राम पर ये वाला पिक जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, AI 3D इमेज है। तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी से आपको बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बस उसके लिए आपको एक ब्राउज़र यानी कि क्रोम ब्राउज़र की ज़रूरत है। तो आइए हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं आ चुका हूँ होम पेज पर, और आपको अपने ब्राउज़र में चलना है। वहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं अभी क्रिएट कर रहा था। तो सबसे पहले आपको नया पेज जनरेट कर देना है। नया पेज पर आने के बाद आपको सर्च करना है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, बिंग AI इमेज। इतना आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह के इंटरफेस आएगा। आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जॉइंट एंड क्रिएट का ऑप्शन आएगा। आपको उस पर क्लिक करके वहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह दे दीजिएगा, आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद यहाँ पर आपको यही चीज़ लिखना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आपको नाम जहाँ पर शोएब लिखा गया है, शोएब नाम से मैं बनाने वाला हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम अजय रमेश जो आपका नाम हो यहाँ पर आप अपना नाम टाइप कर दीजिएगा। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे तभी आपका नाम क्रिएट होकर आपके सामने आएगा, फिर आप इमेज आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आपको बैक यानी ये टैब वाले हाइकन को हटाना है, फिर आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएटिंग करने लगेगा, यानी कि 30 सेकंड का टाइम लगता है, उसके बाद आपका नाम वाला फ़ोटो आपके सामने आ जाता है। तो बस इतना सा प्रोसेस आप कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो टाइप करना है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिए। उसके बाद आप अपना नाम वहाँ पर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं शोएब लिखा हुआ आ चुका, कितना बेहतरीन इमेज, कितना बढ़िया AI इमेज जनरेट हो चुका है 3D वॉलपेपर। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। सारा प्रोसेस आपके सामने मैंने रख दिया।